मॉडल टाउन में अपने मामू के घर पहुंचे। मोहसिन नकवी अपनी ममानी को माँ का दर्जा देते हैं और उनको मम्मी कहकर बुलाते हैं। How was he as a child? A good boy. When he was very small? Oh, he was naughty. Very naughty? No, no. Harmless. Harmless naughty. Harmless naughty, yeah. Huh. You know. Huh. He's still harmless naughty. Harmless naughty. Yeah. What special memory you have about him? Oh, that was difficult because my husband asked him to read the paper and then question him. And of course, he didn't know. And how you liked that he became Chief Minister of Punjab? Oh, I don't know anything. I mean, he's there, I'm here. He's big man now. He's always been a good man. Mohsin Naqvi jo hain, ye kaise bhai hain, bachpan mein kaise the, padhai mein kaise the? Mohsin mujhse bahut chota hai. Aur jab ye ghar mein tha aur bada ho raha tha, to main to bahar padh raha tha. तो इसलिए सिर्फ जो वालिद साहब के साथ जो बातें होती थी, मोहसिन शैतान था और क्लासों में इधर उधर उसका ज़्यादा ध्यान रहता था, तो इसलिए वालिद साहब को फिक्र रहती थी इसकी ज़्यादा. लेकिन मोहब्बत में इसका कोई जवाब नहीं. ये जितनी जितनी खलूस से और जिस तरह से ये मोहब्बत करता है और हर एक को जो याद रखता है ना, वो एक चीज़ है जो बचपन से इसके साथ चलती है. सेवन क्लब में अपने दफ्तर वापस पहुंचे. चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान से मुलाकात की. सीएम मोहसिन नकवी साहब हैं, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, उनके साथ काम करना कैसा लगा? मुश्किल, आसान? ऐसा बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी. आसान इसलिए, ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही वर्क्स, मतलब ये हमारे साथ दोस्तों की तरह हमारे साथ काम करते हैं. हर चीज़ डिस्कशन से होती है, हर चीज़ प्रॉपर डेलीब्रेशन होती है, हर मामले पे जो फैसले होते हैं उस पर प्रॉपर हमारी कंसल्टेशन होती है. मुश्किल इसलिए है कि मैं सुबह ऑफिस 9 बजे पहुँचता हूँ, मेरी आदत है हमेशा मैं टाइम पर ऑफिस जाता हूँ, तो 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर की मीटिंग शुरू हो जाती है, वो भी चलती है 9-10 बजे तक. उसके बाद हमारा एक विजिट होता है, तो वर्चुअली अब मैं 9 से लेकर रात 11 बजे तक रहता हूँ. तो इस पर जो मेरा हल्का बाप है बेगम समेत, वो काफ़ी अब नाराज़ है मुझसे. तो बाकी इस प्लेयर वर्किंग विद हिम, बड़ा अच्छा एक माहौल है जिसके अंदर तमाम लोग कम्फर्टेबल. आपने बहुत से सियासतदानों के साथ भी काम किया है, ये तो गैर सियासी हैं, तो सियासी मामलात और गैर सियासी मामलात के फैसले करते वक्त आप क्या क्या समझते हैं कि इनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? देखिए, इनके लिए ना बहुत सारे फैसले वो हमारी तरह सोचते हैं, लेकिन फैसला पॉलिटिकल एंगल ज़रूर करते हैं, जिसमें पब्लिक टैक्सेस, मसलन हम टैक्सेस की जब बात करें तो हमारा ये ख्याल है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हर एक चीज़ का बेसिक है. तो ही बिलीव्स इन दिस, ही अंडरस्टैंड दिस, वो बात भी करते हैं, हमसे एग्री भी करते हैं, बट कई दफ़ा फिर वो मामला वो भी उसी तरह कोशिश करते हैं कि जो लोगों को रिलीफ मिल सके वो दे दें. बहुत इजी है फॉर हिम टू टेक डिसीजन, क्योंकि ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है उनका, कोई हल्का ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल कंसिड्रेशन के बेस पे फैसला नहीं है, प्योर मेरिट और जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक. मुख्तलिफ मीटिंग्स में अहकामात दिए.